हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैश लाइफ विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों के मेरे राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी नींबू का अचार। तो नींबू का अचार बनाने के लिए ये पहाड़ी नींबू है। तो इसका छिलका भी बहुत मोटा होता है, और अगर छिलका मोटा होता है तो ये अचार भी बहुत अच्छा बनता है। तो फिर मैं ये 1 किलो नींबू लिए हैं। इनको पहले अच्छे से पानी से धो लेती हूँ, और इसकी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी मिट्टी भी नहीं रहनी चाहिए। और फिर धोने के बाद मैं कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसको धूप में रखती हूँ। और फिर ये अचार मैं इसी तरीके से बनाऊँगी कि आज बनाओ और कल खाओ, इसी तरीके से ये अचार बना के तैयार करूँगी। तो इसकी रेसिपी मेरी बहनों के साथ में शेयर करूँगी। तो नींबू को तो मैंने पहले ही धो लिया है, और धोने के बाद मैं बाहर जाकर सुखा देती हूँ, और फिर मैं तैयारी करती हूँ मसाला बनाने की। तो चूल्हे में आग जला दी है और कढ़ाई रख दी है। फिर इसमें डालती हूँ मैं 3 चम्मच सूप और 2 चम्मच जीरा, और फिर इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाली है, और फिर इसमें मेथी दाना डालेंगे, और कम से कम 15-20 काली मिर्ची और दालचीनी का टुकड़ा। तो इन सबको मैं भून लेती हूँ, और भूनना इसी तरीके से है, इसको जलाना मत, बिल्कुल भी मत जला देना, स्लो आंच पर ही भूनना है। और भूनने के बाद में फिर इसका थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे, ज़्यादा महीन नहीं बनाना है। तो पहले तो मैं भून लेती हूँ। तो मसाला तो भून के तैयार है। फिर मैं निकाल देती हूँ थाली में, और फिर वापस कढ़ाई चूल्हे पर रख देती हूँ, और फिर इस कढ़ाई में मैं डालती हूँ पानी। और पानी डालने के बाद में फिर मैं ये रखती हूँ नींबू, और नींबूओं के कम से कम 4-5 मिनट के लिए इसको भाप लगानी है, ज़्यादा नहीं स्टीम लगानी है। और इसी तरीके से ये नींबू का अचार बनाऊँगी। तो ऊपर से ढक देती हूँ, फिर मैंने कढ़ाई को ऊपर ढक लगा दिया है, और फिर मैं ये मसाला है तो मसाले का पेस्ट बना लेती हूँ। तो सिलपट्टे पर ही ये मसाला पीस लेती हूँ, मिक्सी में नहीं पीसूँगी। ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, दरदरा सा पीसना है। तो मसाला पीस लिया है, और फिर मैं निकाल लेती हूँ कटोरी में। तो फिर मैं देखती हूँ नींबू को, और नींबू को ज़्यादा स्टीम नहीं लगानी है, कम से कम 3-4 मिनट ही इसको स्टीम लगानी है। तो ये नींबू भी बनके तैयार है। फिर मैं छलनी को निकाल लेती हूँ बाहर, और फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ। और ठंडा होने के बाद में फिर इसको कट करेंगे, और जो भी इसमें बीज है वो बीज बाहर निकाल देंगे। इसी तरीके से मैं सारे नींबूओं को कट कर लेती हूँ, बारीक बारीक सा ही कट करना है, ज़्यादा महीन भी नहीं करना है, तो ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं करने हैं, बारीक बारीक से ही पीस करने हैं इसके। और फिर इसमें सारे बीज निकाल देने हैं, बीज नहीं, और इसका रस भी नहीं निकालना है। फिर मैं करती हूँ चाशनी बनाने की तैयारी। तो कढ़ाई में चीनी डाली है, और फिर इसमें डालती हूँ मैं पानी।
तो ये चाशनी इसी तरीके से बनानी है, ना इसका एक तार बनाना ना दो तार बनाना, सिर्फ चीनी को ही पिघलाना है। और चीनी पिघलने के बाद में फिर मैं ये मसाला लिया है जो सिलपट्टे पर पीसा था वो मसाला है, और फिर मैं इसमें डालती हूँ स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ, ये नमक है साधारण, और फिर इसमें डालती हूँ 2 चम्मच लाल मिर्ची, और फिर इसमें डालती हूँ थोड़ा सा काला नमक, अगर नींबू का अचार डालते हैं तो उसमें काला नमक तो डालना ही चाहिए। ये डालने के बाद में फिर मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच कलौंजी, और फिर इसमें डालती हूँ हींग, हींग डालने के बाद में सारे मसाले को मैं मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करने के बाद में फिर इसी चाशनी में डाल देती हूँ, और फिर कम से कम 1-2 मिनट के लिए इसी चाशनी में इसको हिलाते रहना है। और फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, तो इसी तरीके से ही ये चाशनी तैयार करनी है, और फिर ज़्यादा इसमें ना कोई उबाल आना है ना, और तो फिर इसको नीचे उतार देती हूँ, और फिर ये नीचे उतारने से पहले ही मैं ये नींबू डाल देती हूँ, और इन नींबू डालने के बाद में कर देती हूँ मिक्स। फिर 1-2 मिनट के लिए चूल्हे पर रखेंगे, और फिर कढ़ाई को नीचे उतार देंगे, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। नींबू को तो पहले ही स्टीम लगाई थी तो इसलिए वो सॉफ्ट हो गए, तो फिर मैं नीचे उतार देती हूँ कढ़ाई को, और इस नींबू को ठंडा होने के बाद में ही जार में डालेंगे, तो पहले तो मैं निकाल देती हूँ इसी थाली में, और थाली में डालने के बाद में बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गरम अचार बिल्कुल भी मत डालना, अगर ठंडा होने के बाद में अचार डालते हैं तो वो अचार ख़राब भी नहीं होता है, और उस अचार में ना कोई फुफुंद आती है ना ख़राब होता है। तो मैं तो इसी तरीके से ही नींबू का अचार डालती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। राम राम जी।